back to another video. और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो हम लेकर आए हैं वो है मस्ती से रिलेटेड जो के है एक प्रैंक। क्योंकि काफी दिनों से हम लोग काफी सीरियस टॉपिक सही बात है। तो आज हम थोड़ा सा लाइट संडे है तो थोड़ा फनी सा हम लोग देखते हैं। बिल्कुल। वेल वीडियो का टाइटल बताएंगे मौसम। टाइटल है मास्क का चलान प्रैंक रश प्रैंक इन इंडिया। देख लेते हैं ये प्रैंक कैसा है मास्क का। लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। मास्क कहाँ है तुम्हारा? मास्क है मास्क हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रैंक रश में। मैं हूं आपका दोस्त जुबेर खान। और दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए मास्क का चालान जिसमें मेरा साथ दिया है अली पठान ने, जिनको मैं पब्लिक के बीच में जाके मारने वाला हूं और पब्लिक के रिएक्शन देखते कितने फाड़ू आने वाले हैं। और दोस्तों वीडियो देखने के बाद फ्री हो जाओ तो तुम्हारे भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहाँ पे पॉपअप आ रहा होगा, वहाँ पे मैं मजेदार रील डालने वाला हूँ। चलिए देखते हैं मजेदार वीडियो। लाजिम बात है, लोगों को थोड़ी मार सकते प्रैंक में भी। हाँ भाई गार्डन में खड़ा हूँ। मास्क है मास्क है इधर आ इधर भाई भाई तुम लगा लो तो भूल गया। मास्क है तेरा? मास्क है मास्क है ऊपर से क्या नाम लेते हैं दरोगा मास्क कहाँ दे रहा मास्क है इधर आ इधर आ इधर आ तू इधर आ। जब वहाँ पे बहुत सारे लोग मिल रहा नहीं वो तो है लेकिन उसके अलावा हाँ ये बोर्ड चल रही है। बोर्ड मास्क कहाँ दे रहा मास्क इधर आ इधर यार ये क्या लगा लिए आज कहाँ तुम्हारा इधर छोटा तरफ ये कैंटिंग का कैंटिंग कितने कितना पड़ेगा कैंटिंग मास्क शूट कर रहे कौन सी वीडियो मिल ही नहीं रहा मतलब ऐसा बैक में ऐसा फोटो आना चाहिए पिक्चर को ये लगाएगा मुंह पे तो मोबाइल फिर भी उधर के दर्द निकल जा चार दिन जाऊँगी मैं एकदम फ्रेंड वाला है ना मास्क मोबाइल तो नहीं ना गार्डन में है भाई मास्क कहाँ है तुम्हारा मास्क है वैसा 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 वो मास्क कहाँ है मास्क कहाँ है वो कहाँ है मास्क के खेल रहे हो ना कंप्लेन कर दो प्रैंक थोड़ी कर रहे थे हम प्रैंक कर रहे पुलिस वाले दे नहीं सकते भाई साहब 100 का ले लो 200 का ले लो 300 का ले लो पुलिस वाले दे नहीं सकते। आगे लेकिन अभी फटके तो आपने मास्क लगा लिया था ना क्या करे यार।
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और एक बहुत ही मजेदार वीडियो हमने बसंत न्यूज पे अपलोड किया है जो आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, उसे भी जाकर देखें। तुम्हारे भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, बहुत अच्छी अच्छी रील्स डालने वाला हूँ। लव यू भाई। बात करें अगर आज इस वीडियो की, तो एक बहुत ही यूनिक किस्म का प्रैंक था, बहुत मजा आया देखे। वैसे जो है ना, जो यहाँ पे लोगों के हालात है ना, इस तरह होना भी चाहिए। लेकिन मैं एक चीज मतलब मुझे आज पता चली, और वो ये कि प्रैंक करने के लिए उनके खुद ही लोग प्लांटेड होते हैं, मतलब तो इसी तरह ही होता है शायद। वो ना वाकई में रैंडम लोगों से जाकर प्रैंक करना, नहीं नहीं, कई प्रैंक्स ऐसे होते हैं जो रैंडम लोगों से भी किए जाते हैं, और कई ऐसे होते हैं जिनमें जो है अपने लोगों को ही खड़ा किया जाता है। रैंडम लोगों को, अपने लोगों को करने के बावजूद भी मिलता, बड़ी हिम्मत की बात होती है, क्योंकि कहीं से मार भी पड़ सकती है। वैसे अगर बात करें दरोगा भाई साहब जो है ना, वो किसी रैंडम बंदे को भी पेड़ मार दे, बंदा कुछ नहीं कर सकता। हकीकत है, एक चीज है, इंसान वाकई में घबरा जाता है, पुलिस कुछ इस तरह से करे, इर्द गिर्द के लोग बेचारे सहम के ऑलरेडी सारी चीजें करना शुरू हो जाते हैं। और अभी जैसे कि मतलब इसमें कुछ लड़के तो बेचारे भाग गए थे, कुछ इस तरह भाग गए जैसे वो टॉम एंड जेरी देखते हैं ना, उसमें भागते हैं चूहा बिल्ली बीच बीच ऐसे भाग रहे थे। और वो जो मोबाइल लेकर भाग गया था बेचारा, इतना कंफ्यूज हो गया, मोबाइल लेके भाग गया, जान बचाए, जान बचाए। ये कि वाकई में बहुत जरूरी है, एक लिहाज से देखा जाए तो देखो हर किसी की पॉकेट में मौजूद था मास्क, लेकिन लोग लगा नहीं रहे थे। और मुझे ये लगता था कि ना इंडिया में काफी ज्यादा लोग जो है वो मास्क पहन रहे हैं, पहनते हैं, लेकिन जहाँ पे पहनते हैं वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग, ऑफकोर्स हम सारे एक ही है, तो काम भी सारों के एक जैसे ही होंगे मास्क यहाँ पे भी। अगर आप देखें मतलब ये वाला यहाँ पर भी प्रैंक होना चाहिए, वाकई होने चाहिए इस समय, बल्कि यहाँ पे तो मैं पूरी एक टीम बना के होने चाहिए। सही बात है, लेकिन ये जब पैंडेमिक के दौरान हम लोगों ने वैसे देखा एक्चुअल में कि जो मतलब पुलिस वाले थे उन्होंने मतलब जो मास्क नहीं पहनते थे, आई थिंक उनको लगाते भी थे एक दो, है ना। मेरा मैंने वैसे सराय में देखा, हाँ हमने ये देखा है कि उठा के वो प्रैंक पुलिस वालों ने क्या किया, जो वैन में बंद कर दिया था। की बात नहीं कर रही मैं, मतलब वैसे ही मतलब जब ये बहुत ज्यादा कोरोना तेजी से फैलना शुरू था, आई थिंक बीच में हुआ था एक, मतलब ये जब बार बार समझाया जा रहा था कि मास्क पहने थोड़ा मतलब इस तरह, यहाँ पे जो मुझे मालूम है ना, यहाँ पे जब आप मास्क लगाए बगैर बाहर निकल रहे थे ना, तो इतनी सख्ती की हुई थी कि 2000 पे आपको फाइन किया जाता था ऑन द स्पॉट ही वहाँ पे पुलिस वालों की तरफ से। चालान खत्म हुआ है, लोगों का मास्क भी उतर गया, वो लोगों का मास्क भी उतर गया। लेकिन जो है अभी भी अगर देखा जाए, तो आप थोड़ा सा मार्केट्स में जाते हैं ना, जो अच्छी मार्केट्स हैं वहाँ पे लोग फिर भी पहनते हैं, लेकिन अगर आप लोकल बाजारों की बात करें ना, वहाँ पे तो बड़े लोग मौजों में। बट एक चीज मुझे याद पता चली कि सिर्फ औरतें नहीं घबराती दरोगा को देखकर, मर्द भी घबरा जाते हैं भाई, पुलिस वालों से कौन पंगा ले। लेकिन ये वो भी वो कौन सा क्या नाम लेते हैं, कोई यूरोप की या यूके की पुलिस है, जहाँ पे क्या नाम लेते, कोई इस तरह का होगा तो भाई पुलिस वालों को बंदा बोल सकेगा, यहाँ पे तो उल्टा खुद पे पड़ जाता है। नहीं ऐसा है ना, देखो जैसे ही इसमें भी दिखाया कि डायरेक्ट लात मार दी, तो मतलब लोग बेचारे डर गए थे, सहम गए थे। इट मींस कि वेरी कॉमन है ये चीज, मतलब एक जैसा ही है माहौल भाई इधर, बिल्कुल पुलिस वालों को देखकर सारे डर गए थे। अच्छा एक चीज मुझे बीच में बहुत फनी लगी, जहाँ पे वो लड़के जो है वो वीडियो शूट करके आ रहे होते हैं, तो उन्हें एंड पे प्रैंक कर रहे थे, नहीं हम प्रैंक नहीं थे कह रहे, घबराया होता है ना, तो यहाँ से क्या जाहिर होता है, पुलिस वालों को देखे सब घबरा जाते हैं। आप जरूर बताइएगा कि आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कोई ऐसा हादसा, तो जरूर प्लीज हमें थ्रू ईमेल बता दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताना चाहते तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वैसे मेरा ख्याल है इनका जो है ना, मैंने एक प्रैंक देखा हुआ है, उसमें क्या करते हैं शेर को जो है ना खड़ा करके ना, असली नहीं अच्छा। नकली शेर, लेकिन वो लगता है असली अच्छा। लोग उधर मुंह करके बैठे होते हैं, उनके पीछे शेर रख देते हैं, फिर वहां से चले जाते हैं और उसके अंदर आई थिंक स्पीकर लगाता है, तो दूर से जाके शेर की आवाज निकालते हैं, लोग फिर डर के भागते हैं। मेरा ख्याल है मैंने इनका फेसबुक पे ये प्रैंक मैंने देखा हुआ है, बट ये कि मुझे बहुत मजा आया, बहुत एंटरटेनिंग था, और एक लिहाज से देखा जाए तो एक मैसेज भी था कि मास्क जरूर पहने। और इसके अलावा प्लीज हमारे साथ अपनी स्टोरी जरूर शेयर कीजिएगा, और ये भी बताइएगा कि इस तरह के प्रैंक्स आपको किस तरह के लगते हैं, अच्छे लगते हैं या नहीं, आपको लगता है नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं तो वैसे जब भी मास्क के बगैर बाहर जाता ना, फिर बाहर से जब मैं वापस आता हूं एक नया मास्क लेके आता, सबूत 3 मास्क लटके हैं मेरे। लेकिन पता क्या मौसम, एक चीज है मतलब अगर मैं मौसम से पूछना चाहूंगी ना, कि मैं पहले अपने बारे में बता रही हूं, अगर आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन मतलब अभी यही वाला प्रैंक हो रहा हो तो आपके पास, तो क्या ऑफ कोर्स मेरी भी हवा टाइट हो जाएगी।
दरोगे के आगे ना किसी की चलती। एक चीज है कि मौजम वैसे मतलब बहुत रेयर होगा अगर मौजम ने कभी मास्क पहनना भूल जाए घर से, तो फिर ये बाहर से रह लेता, अदरवाइज मौजम हमेशा मास्क पहन के जाता है। और इसके अलावा मौजम मेरे से पूछो भाई कि मेरे साथ क्या हो? मैं वही पूछने लगा था, मैं पहले आपकी बात खत्म हो लेना, आपके आपके साथ हो वैसे ये तो मुझे लगता है चढ़ाई कर देंगे उल्टा। नहीं नहीं चढ़ाई क्यों करूंगी मैं, पागल चढ़ाई करूंगी मैं ना, वो जो लेडीज वाला था ना, एकदम से जल्दी से निकाल के, मैं भी ऐसे जल्दी से निकाल के। वैसे नो डाउट ये सिचुएशन ऐसी होती है कि हर बंदा परेशान हो जाए, घबरा जाए एकदम की यार क्या करें, अब एक अपने डर होता है, रोग होता है बिल्कुल, मतलब वो फिर वही बात है ना, ये उल्टा पड़ जाता है ना इस वजह से। एनीवे गाइस ये तो थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, लेकिन आप जरूर बताइएगा, अगेन मैं पूछ रही हूं स्टोरीज, ऐसे सदे में जाल में वीडियो लाइक चैनल कर सब्सक्राइब शेयर एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।